नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई चीज छूटे ना। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ ये बची हुई चाशनी से बहुत ही अच्छी मिठाई। तो चलिए पहले तो इसमें चाशनी में जो इलायची है वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इलायची हमें नहीं चाहिए। जो फ्लेवर होगा वो इसमें चाशनी में होगा इलायची का, बस उतना ही चाहिए हमें। देखिए एक एक करके मैं इलायची निकाल देती हूँ। और ये देखिए इलायची निकल चुकी है। और ये रख दी मैंने गैस पे कढ़ाई, और ये जो चाशनी है वो मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में। और अब चला देती हूँ गैस। गैस जलाने के बाद इसको गर्म करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से उबालेंगे। ये देखिए इसमें उबाल भी आ चुका है। अब मैंने गैस कर दी है मीडियम, क्योंकि अगर मैं तेज गैस रखूंगी तो ये निकल जाएगी। और ये देखिए ये गोला है, गोले को मैंने अच्छे से छील के और मिक्सी में पीस लिया है। चाहो तो आप बाजार से भी ला सकते हो। और ये देखिए चाशनी बुलबुले आने लगे हैं और गाढ़ी चाशनी हो चुकी है। और ये लगा लिया है मैंने थाली में घी। और ये डाल देती हूँ जो नारियल का बरूदा है मेरे पास, ये देखिए चाशनी में डाल देती हूँ सारा। और अब इसको मिला लेती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए ऐसे चाशनी में अच्छे से मिल चुका है ये। थोड़ा सा गाढ़ा और कर लेंगे, आप चाहें तो ज़्यादा सुखा सकते हैं इसको। और बाकी ये मतलब अच्छे से हो चुका है। मैंने बस ये गीला गीला ही गैस से उतार लिया है इसको। और ये देखिए थाली में मैंने अच्छे से इसको फैला दिया है। और चलिए अब इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। और ये देखिए ठंडा होने के बाद देखिए कितना अच्छा सेट हो चुका है ये। और चलिए अभी मैं इसको चाकू से काट लेते हूँ इसके पीस इस तरीके से, ये देखिए, क्योंकि अभी बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है। इसे थोड़ा सा नॉर्मली मैं काट लिया है, क्योंकि बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो ये कटने में थोड़ी दिक्कत देगी, इसी वजह से मैंने अभी जल्दी से ही काट लिया है इसको। और ये देखिए मैं पीस निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छे पीस निकल के आए हैं देखिए बर्फी के, ये देखिए। तो इसलिए आप ये ना, अगर वेस्ट चाशनी आप अगर आपके पास रखी हुई है तो आप ये ना सोचिएगा कि ये वेस्ट है, इसको फेंक दें। इसका आप बर्फी बना सकते हो। और भी वीडियो डालूंगी मैं। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आजकल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। वीडियो देखते जरूर हो, लाइक नहीं करते हो।